अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में आ गए। भारतीय शास्त्रों में एक मान्यता है कि किसी शुभ कार्य जब संपन्न हो रहा हो उस दौरान यदि आकाश से पानी की बूंदें गिरने लगें तो उसको कहा जाता है ये कार्य शुभ से अत्यतम शुभम हो गया। ये संयोग है। जब हम लोग सुबह लखनऊ से चले तो हमें लग रहा था कि जो मानसून फोरकास्ट होता है उसके अनुसार कि गोरखपुर में आज बारिश होने वाली है, लेकिन कभी कभी मन में संदेह ये होता था कि ये बारिश यदि सायंकाल हुई तो हमारा कार्यक्रम शिलान्यास का कार्यक्रम तो संपन्न हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये आप सबके प्रति, आप सबकी जो इस आयुष महाविद्यालय के प्रति समर्पण है, वो समर्पण भी प्रभु इंद्रदेव को उन्होंने एक वाद्य कर दिया कि इस कार्यक्रम के संपन्न होने के दौरान ही आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गए। कार्यक्रम में मैं प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री धर्म सिंह सैनी जी, लोकसभा सांसद श्री रवि किशन जी, विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, योग के माध्यम से सामाजिक जागरण की अलख जगाने वाले और भारतवर्ष में गुरुओं की महिमा को पुनः स्थापित करने वाले गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि यद सुखम तद स्वर्गम, यद दुखम तद नरकम। अर्थात जो सुख है वही स्वर्ग है और जो दुख है वही नरक। भारतवर्ष में वैदिक काल से ही आरोग्य पर विशेष बल दिया जाता रहा। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी आरोग्य की महत्ता का वर्णन है। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। आप सबका तथा समस्त जनों का शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को फलीभूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसलिए आज यहाँ आप सबके बीच आकर इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारत में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित रही हैं। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों, जिन्हें सामूहिक रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है, के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों की व्यवस्थित शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2017 में आयुष विभाग की स्थापना की और अब राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का सराहनीय निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर
प्रदेश के आयुष चिकित्सा संस्थान अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि पारंपरिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाने और जन स्वास्थ्य में योग की उपयोगिता को देखते हुए एक शोध संस्थान की स्थापना भी इस विश्वविद्यालय में की जाएगी। देवियों और सज्जनों, भारत में प्राचीन काल से ही अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित रही हैं। देश में सिद्ध चिकित्सा पद्धति का विकास नाथों एवं सिद्धों द्वारा किया गया। आज के समय में यह पद्धति दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय है। ऐसा विश्वास है कि खनिजों और धातुओं को औषधि के रूप में तैयार करके इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में इनके प्रयोग के प्रवर्तकों में बाबा गोरखनाथ प्रमुख रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे आयुष विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रखा जाना सर्वथा उचित है। गोरखनाथ जी का जीवन उदात्त था। उन्होंने सदाचरण, ईमानदारी, कथनी व करनी के मेल और बाह्य आडंबरों से मुक्ति की शिक्षा दी। योग को उन्होंने दयादान का मूल कहा। उनके चरित्र, व्यक्तित्व एवं योग सिद्धि से संत कबीर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने गुरु गोरखनाथ को कलिकाल में अमर कहकर उनकी प्रशंसा की थी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी योग के क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हुए कहा था कि गोरख जगायो जोग, अर्थात गुरु गोरखनाथ ने जन साधारण में योग का अभूतपूर्व प्रचार और प्रसार किया है। भारत में योग मार्ग उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन भारतीय संस्कृति है। योग को प्रतिष्ठित करने वाले गुरु गोरखनाथ निश्चय ही अत्यंत महिमा में अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग दृष्टा महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समस्त भारतीय तत्व चिंतन को आत्मसात करते साधना के एक अत्यंत निर्मल मार्ग का प्रवर्तन किया। इसीलिए वो कहते थे कि योग शास्त्रम पठेत नित्यम किम अन्यै शास्त्र विस्तरै, अर्थात नित्य प्रति योग शास्त्र का अध्ययन करना ही पर्याप्त। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।